बीते कुछ महीनों से मिडिल ईस्ट जंग का अखाड़ा बना हुआ है। गाजा में भड़की इसराइल हमास युद्ध की आग अभी तक ठंडी नहीं हो पाई है। इसराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमलों से गाजा तबाही का हर दिन एक नया इतिहास गढ़ता जा रहा है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में इजरायली बलों की भीषण एयर स्ट्राइक ने जंग की दशा और दिशा को नया मोड़ दे दिया है। तंबू में जिंदगी और मौत के बीच जी रहे मजबूर लोगों पर इसराइल कहर बनकर टूटा। जहां 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरा मिडिल ईस्ट गुस्से में है। ईरान समर्थित संगठनों ने इजरायली बलों पर अपने हमलों को तेज कर दिया है। साथ ही नेतन्याहू को बड़ी धमकी भी दे डाली है। हमास लड़ाकों से लेकर लेबनान का हिजबुल्ला इजरायली एयर स्ट्राइक से तमतमाया हुआ है। हमास के लड़ाके गाजा में इजरायली बलों पर हावी हो गए हैं। चुन चुन कर IDF को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली बलों के साथ साथ उनके सैन्य साजो सामान भी जंग में शिकार बन रहे हैं। लड़ाके घात लगाकर इजरायल के हौसले पस्त कर रहे हैं। जगह जगह IED का जाल बिछाकर जबरदस्त विस्फोट किए जा रहे हैं। इजरायल ने अपनी एयर स्ट्राइक का बचाव करते हुए दावा किया कि हमास लड़ाकों को टारगेट करके ये हमला किया गया था। इस बीच ईरान समर्थित इराक का चरमपंथी समूह कतैब हिजबुल्ला भी इजरायली हमले से भड़का हुआ है। इराक के इस खतरनाक समूह ने इजरायल को सीधी धमकी देते हुए अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे डाली है। इराक के इस मिलिशिया गुट ने भी हाल ही में इजरायल पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। इस समूह ने अमेरिका को शैतान और अपराधी बताते हुए अमेरिका पर इजरायलियों का समर्थन कर उन्हें नरसंहार करने के लिए हजारों टन बमों की सप्लाई कर फिलिस्तीनियों की हत्या में भाग लेने का आरोप लगाया है। समूह ने शनिवार को दक्षिणी गाजा में हमास कमांडरों पर इसराइल के टारगेट हमले के मद्देनजर अपना बयान जारी किया है। कतैब हिजबुल्ला ने इसराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए कहा कि इसराइल सिर्फ और सिर्फ हथियारों की भाषा समझता है। जो ताकत का इस्तेमाल करता है उसे सिर्फ ताकत से ही करारा जवाब दिया जा सकता है। इसके लिए प्रतिरोध की धुरी तेजी से इसराइल का मुकाबला करने के लिए डटी हुई है। लड़ाके फिलिस्तीनियों के लिए एकजुट हैं और इजरायली बलों को हर हाल में लगातार खदेड़ने का काम करते रहेंगे। इराक का ये खूंखार समूह यही नहीं रुका, उसने सऊदी अरब पर भी तीखे वार किए। ईरान और सऊदी के रिश्तों में आए हालिया तनाव के बावजूद कतैब हिजबुल्ला ने जमकर हमला बोलते हुए सऊदी को बड़ी धमकियां दी। समूह ने सऊदी को बुराई का साम्राज्य तक करार दिया। साथ ही इसराइल गाजा संघर्ष में सऊदी की कथित भूमिका के नतीजे भुगतने की भी चेतावनी दे डाली। कतैब हिजबुल्ला ने बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात तक को धमकियां दे डाली। उसने कहा कि ये ऐसे देश हैं जिन्होंने अब्राहम समझौते के तहत समूह के कट्टर दुश्मन इसराइल के साथ संबंध सामान्य किए हैं। इन बयानों के बाद माना जा रहा है कि कतैब हिजबुल्ला ने सऊदी अरब का जिक्र कर भविष्य में होने वाले हमलों का बड़ा संकेत दिया है। खास बात ये भी है कि ईरान और सऊदी के बीच पिछले साल ही बरसों पुरानी दुश्मनी सुलह की ओर लौटी थी। दावा किया जाता है कि इन नजदीकियों में इराक ने भी अहम रोल निभाया था। अब ऐसे में इराक के कतैब हिजबुल्ला समूह ने सऊदी पर जुबानी हमला बोलकर तनाव को बढ़ा दिया है। बताया जाता है कि ये समूह ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के समर्थित समूहों में से एक है, जो पिछले साल शुरू हुए गाजा युद्ध के बाद से इसराइल और अमेरिका पर रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है, जिसके चलते अमेरिका ने साल 2009 से कतैब हिजबुल्ला पर प्रतिबंध लगा रखा है।